हमारे गार्डन में शिमला मिर्च। बहुत गर्मी है आज तो। धूप भी कितनी तेज है, मुझसे तो ये नहीं हो रहा। हम ये कर सकते हैं मसाई मौसी। आजकल यहाँ कीड़े मकोड़े बहुत बढ़ गए हैं और वो धुले हुए कपड़ों में भी आ जाते हैं। अब जल्दी जल्दी काम करो। जब तक काम खत्म नहीं होगा तुम तो हमें छोड़ोगी नहीं। ओ शीरा, बहुत दिन बाद मिले। अरे ये कैसा पौधा है? अरे रुक जाओ, मुझे ऐसा लगता है शिनचैन कि ये है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च, ये बिल्कुल वही चीज है जो मैं गांव में देखा करता था। जरा इधर आना। ये बैंगन है ना? अरे हाँ, ये तो बैंगन है। पर ये हमारे गार्डन में क्यों है? पता नहीं, शायद ये अपने आप ही उग गया होगा। बैंगन और शिमला मिर्च अपने आप नहीं उगते हैं मिच्छी। कहीं ये काम। इतना ठीक रहेगा। शिमला मिर्च एलियन। ऐसा कुछ नहीं है शिनचैन। मुझे लगता है किसी ने इसे उगाया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन किसने उगाया होगा इसे? ये पौधा मैंने यहाँ लगाया है। तुमने उगाया है इसे? हाँ मैंने। बहुत दिनों पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे शिमला मिर्च और बैंगन के बीज दिए थे और मुझे लगा वो मेरे किसी काम के नहीं है, तो इसीलिए मैंने उन बीज को उस खिड़की से बाहर फेंक दिया। फेंक दिया क्या मतलब? तुम इन्हें उगाना चाहती थी ना? मैं इन्हें उगाना नहीं चाहती थी, ये तो अपने आप उग गए। शिमला मिर्च की उगाई? मैंने बोला ना शिनचैन, मैंने कुछ नहीं उगाया, ये सब तो अपने आप हो गया। सच बताओ तुम्हें बैंगन खाना पसंद है भी या नहीं? पसंद हो या ना हो अब तो बैंगन खाना ही पड़ेगा। और साथ में रोज रोज शिमला मिर्च भी खा सकते हैं। नहीं बेटा, इनका ख्याल कौन रखेगा? मैं इनका ख्याल रख सकता हूँ डैड। तो तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे कामों पर नहीं, समझे? देखिए ना डैड, ये कितने मासूम और प्यारे से हैं और इनका कलर भी कितना अच्छा है। हाँ बोल दीजिए ना। एक तो ये काम करना पड़ रहा है, ऊपर से तुम्हें कीड़े पालने। कुछ पता है शिनचैन कितना मुश्किल है मेरा ये काम? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ डैड। सच में तुम मदद करोगे? हाँ, क्योंकि आपको एक ही तो छुट्टी मिलती है और आपको आज के दिन बहुत आराम करना चाहिए। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। आ जाओ आ जाओ, मैं जाता हूँ। तुम लोग को भूख लगी होगी ना, तो फिर खा लो इसे। शिमला मिर्च भी तो खानी चाहिए, वो भी सेहत के लिए अच्छी होती है। क्या कर रहे हो? अरे वाह, ये बैंगन तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बार वो काम करना पड़ता है जो करना पसंद नहीं होता। चाहे ये कुछ भी कहे, पौधों का बहुत ध्यान रख रहा है। आखिर इन्हें काटने का दिन आ ही गया। आप शिमला मिर्च भी काटेंगी क्या? हाँ क्यों नहीं शिनचैन, देखो बेटा शिमला मिर्च और बैंगन कितने बढ़िया लग रहे हैं। नहीं मॉम, मैं आपको इन्हें काटने नहीं दूंगा, मैंने इन्हें बहुत मेहनत से उगाया है। ये बड़े हो गए, इन्हें काटने का वक्त आ गया है। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम शिमला मिर्च नहीं खाना चाहते? ऐसी बात नहीं है मॉम। चलो चलो, बहुत हो चुका, आगे से हटो। नहीं मॉम, मैं आपको इन पौधों को नहीं काटने दे सकता, मेरी मेहनत पर पानी मत फेर। अरे वाह, ये बैंगन तो बहुत ही टेस्टी बने हैं। हाँ, अपने गार्डन के जो है। इस सब के लिए तो आपको मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। शिमला मिर्च की चटनी, शिमला मिर्च का साग और पिज्जा भी शिमला मिर्च का। नहीं मॉम, मैं जाकर मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ मॉम। तुम नहीं खाओगे? क्या कह रही हो बेटा, अभी तो तुमने खाया इसे। अरे जितना खाना है खा लो, बाकी बचा हुआ शीरो को दे देना। आपने ठीक कहा, शीरो भी तो भूखा होगा ना डैड। उसे बाद में दे देना, पहले तुम खाओ। नहीं आज मुझे भूख नहीं है। ठीक है,
कल के लंच में भी शिमला मिर्च है। क्या करें, हमारे पास बहुत ज्यादा है ना। शिमला मिर्च बाग में सब्जियां उगाई हैं तो स्वाद तो लेना ही पड़ेगा रोज।